हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक EHS इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। जॉब पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर EHS। जॉब सोर्स फ्रॉम एंटीसिपेट HR कंसल्टेंट एंड दे फाइंड माय रिज्यूमे फ्रॉम naukri.com। डेट ऑफ इंटरव्यू अराउंड June 21। अभी बात करते हैं रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये पोस्ट के लिए जो जॉब प्रोफाइल चाहिए जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट को HSE पॉलिसी फॉर्मेशन करना आना चाहिए बेस्ड ऑन ISO 45001 एंड 14001 रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट कैंडिडेट को इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट मींस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रूट कॉज फाइंडिंग एंड फॉर क्लोजर ऑफ इंसिडेंट पावर फॉलो अप एंड टू प्रिवेंट री ऑकरेंस हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट सिस्टम आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग EHS आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को EHS ऑडिट एंड इंस्पेक्शन करना आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को EHS रिलेटेड लीगल कंप्लायंस हैंडलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू लीगल कंप्लायंस आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को सेफ्टी कल्चर इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। फॉर दिस कैंपेन एंड रिक्वायर्ड बेस EHS रूल डेवलपमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को SOP डेवलपमेंट करना एंड SOP को ट्रेनिंग के द्वारा सबको समझाना आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को प्लांट इंचार्ज को असिस्ट करना आना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OCP दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीड्योर। कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशनल वर्क रिलेटेड सॉलिडरी कंप्लायंस के बारे में पता होना चाहिए एंड उसका अवेयरनेस प्रोग्राम भी फ्रेम अप करना आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को प्लांट इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करना आना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट को मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए बिटवीन शॉप फ्लोर एम्प्लॉई एंड टॉप मैनेजमेंट टू डिस्कस अबाउट EHS रिलेटेड इशू। ये छोड़ के भी ये जॉब पोस्ट के लिए कैंडिडेट का कुछ पर्सनल क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है। जैसे कैंडिडेट को एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होना है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कैंडिडेट का अच्छा होना जरूरी है। कैंडिडेट को गुड टीम प्लेयर होना है। कैंडिडेट का माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम अप होना है। कैंडिडेट कैन हैंडल मल्टीपल फंक्शन एट ए टाइम। कैंडिडेट कैन वर्क इन हाई प्रेशर एंड वर्क विद इन टाइट डेडलाइन। ये पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट था दैट इज BTech इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग एंड ADIS दैट इज एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम RLI दैट वॉज मैंडेटरी। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है दैट इज 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन EHS बैकग्राउंड। सैलरी रेंज CTC अप्रोक्स 10.5 लाख। नाउ कैंडिडेट जो ये कंपनी में इंटरव्यू फेस करने का प्रिपरेशन ले रहा है उन्हें फेस टू फेस इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा एंड इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा बेस्ड ऑन इंटरव्यू में आप क्या कहते हो। जनरल क्वेश्चन में पूछा गया था टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू वांट टू लीव योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। जॉब बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था आपने प्रीवियसली कौन सा सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हो, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर क्या सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट आपने लिए हो या इंप्लीमेंट किए हो, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का क्या क्या पैरामीटर होता है, ETP दैट इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान कैसे फंक्शन करता है, ETP आउटलेट का वाटर का क्या क्या पैरामीटर चेक करना पड़ता है, एनवायरमेंटल पैरामीटर का परमिसेबल लिमिट क्रॉस ना कर जाए उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो, MOC का मतलब क्या है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कंपनी का कौन सा डॉक्यूमेंट से आपको पता चलता है एनवायरमेंटल परमिसेबल लिमिट क्या होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट आप कैसे कॉन्डक्ट करते हो, हजार्ड के बारे में क्या जानते हो, आपका प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का फायर नेटवर्क सिस्टम का स्पेसिफिकेशन क्या है, फायर हाइड्रेंट वाटर स्टोरेज टैंक का मिनिमम कितना कैपेसिटी होना चाहिए फॉर फायर NOC रिक्वायरमेंट। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का EHS इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा है। प्लीज प्रोवाइड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर इन माय YouTube वीडियो कमेंट पोर्शन फॉर बेटरमेंट ऑफ जॉब सीकर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल।